हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पास्ता, और इसके लिए आपको चाहिए, और बीच में मेरा बेटा भी बोलेगा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आपको ये पास्ता वाला एक ना पास्ता चाहिए, पास्ता चाहिए एक चाहिए, एक बड़ा पैकेट में, और आपको ये कहीं भी मिल सकता है। और यहाँ पर एक है चाटो, और यहाँ पर है कैरेट, शिमला मिर्च, ऑनियन, लहसुन, बंदा गोभी और टमाटर का प्यूरी, और इधर है मिर्च और अदरक जो मैंने लंबा काट लिया है। और आपको इसके लिए चाहिए धनिया, सिक्वान सॉस आपको कहीं भी मिल सकता है, और ये है मेरा फेवरेट केचप, व्हाइट पेपर, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, विनेगर, ऑयल और नमक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और अगर आपके पास घर में मैगी का मसाला का रखा हुआ है तो दे सकते हो वो भी, मैगी मसाला। हाँ। और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर ये वाला आपके पास मैगी का मसाला नहीं है तो आप जो मैगी मसाला मिलता है वो भी दे सकते हैं। और मैं अभी बॉइल करने के लिए, पास्ता बॉइल करने के लिए इंडक्शन भी करा दी, और इसके बाद यहाँ पे गैस ऑन करके थोड़ा सा मैं ऑयल दे रही हूँ, दो चम्मच और ये है, और इसको बनाता है ऑयल। मेरा पैन में उबाल आ गया, अब मैं इसमें दे रही हूँ पास्ता जो बॉइल करना होगा। हम लोग बहुत सारा दे दिए क्योंकि एक क्या होता है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एक चम्मच ऑयल दे दीजिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। होने के बाद ये गाजर दे दीजिए, आप अभी कैप्सिकम दे रहे हैं, थोड़ा सा हल्का नमक दे दीजिए। जो मैंने मैगी मसाला रखा था ये
मसाला दे दीजिए। हाँ, और इसके अंदर ये नहीं, एक अभी हो गया इसके अंदर, और अभी तो मिला लीजिए अच्छे से। हाँ दीजिए टमाटर के पीले, मैंने बोला था टमाटर के पीले, तो ये तो कचंबर वाला निकाल लिया। दीजिए। ये अभी हो गया, वो इसको डाल रहे मम्मी, और ये हो गया। वाह, अगर इसको अपना टिक्की बना सकते हैं। हाँ जी, बोलो मम्मा। ओके, अब जी मेरे मम्मी इसको कर दिए। वाओ, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे पास्ता। पास्ता तो मेरा फेवरेट है, तो मैं अभी खाया था। ओ वाह, अच्छे से हो गया। इसमें नमक दीजिए स्वाद अनुसार, थोड़ा सा। मैंने उसमें एक पास्ता है, मैं ब्लैक पेपर, हाँ ठीक, व्हाइट पेपर, चिली सॉस, केचप, टोमेटो केचप, सॉस चटनी, सिजवान चटनी, हल्का सॉस चटनी। रेडी हो गया पास्ता, रेडी हो गया पास्ता। देखने में भी अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। हो गया रेडी टू ईट। अब आप लोग इसको बना के घर में देख सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये घर में आपको ना जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय व्यूअर्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।